सीसीएल कथारा क्षेत्र अंतर्गत स्वांग कोयलरी व स्वांग वासी के आवासीय परिसर स्वांग हाजरी मोड़ बी टाइप गंजड़ी पुराना माइंसर महावीर स्थान सहित कई मोहल्ला टोला में विगत 27 अगस्त से पेयजल सप्लाई बाधित है। बता दें कि पिछले 10 दिनों से स्वांग कोयलरी स्थित फिल्टर हाउस से सप्लाई पाइपलाइन आंशिक रूप से क्षति हो जाने से पानी का बहाव पाइपलाइन में न जाकर क्षतिग्रस्त स्थान पर लीक कर जाने के कारण लगभग 10,000 की आबादी पेयजल की समस्या से जूझ रही है। पाइपलाइन में गड़बड़ी हुए लगभग 10 दिन बीतने को है, लेकिन प्रबंधन की आंखों में पर्दा पड़ा है। लोग पेयजल और नहाने धोने के लिए आवासीय परिसर में टैंकर से या चापानल से पानी को डब्बा या बाल्टियों में भरकर अपना काम चला रहे हैं। इस संबंध में असैनिक विभाग के संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों का कहना है कि पाइप चेंज करने की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही पाइप बदलकर नई पाइप लगा दी जाएगी और पानी सप्लाई जल्द सुचारू किया जाएगा। इधर पानी सप्लाई बाधित होने से स्वांग उत्तरी के मुखिया विनोद विश्वकर्मा, पंचायत समिति सदस्य धनेश्वरी देवी, समाज सेवी मोहम्मद मुमताज आलम प्रबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रबंधन की लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैया की वजह से पिछले 10 दिनों से लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द पानी सप्लाई सुचारू रूप से नहीं किया जाता है तो स्वांग कोयलवरी परियोजना पदाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा।